Good morning, all of our friends, class 7. आज आपके लिए नया चैप्टर एक्सपोनेंट में लेकर आया हूँ. एक्सपोनेंट PONENT एक्सपोनेंट, ठीक है, ठीक लिखा हुआ है एक्सपोनेंट्स, ठीक है. इस पर जो नया चैप्टर में है तो पहले एक्सपोनेंट का एग्जांपल्स के मतलब समझिए. एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है? अगर 2 × 2 × 2 अगर लिखा हुआ है तो 2 × 4 इस पूरे को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म. क्या बोलते हैं बोलिए? एक्सपोनेंशियल फॉर्म. 2 को क्या बोलेंगे? बेस, ठीक है. 4 को क्या बोलेंगे? आप जो ऐसे पावर भी बोल सकते हैं, इंडेक्स भी बोल सकते हैं या रेस भी बोल सकते हैं, ठीक है. तो आप एक्सपोनेंट का मतलब समझ गए हैं, ठीक है. इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है. आप 4 को एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं, पावर भी बोल सकते हैं, एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है. यानी 4 को एक एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है. पावर. आफ्टर दैट इस पर कुछ रूल है, उस रूल को फॉलो कीजिएगा, ठीक है. उस रूल को बुक में भी दिया हुआ है, हम जो बोल रहे हैं उसको भी फॉलो कीजिएगा, ठीक है. लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट. लॉ में रूल 1, अगर पहले एक सेंटेंस लिख दीजिए पहला. लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में इफ PYQ या नंबर पॉजिटिव है ना, देखिए पॉजिटिव नंबर या रेशनल लिखिए, ठीक है. ये रेशनल एंड M एंड N निगेटिव, M एंड पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है. इफ PYQ इज रेशनल नंबर एंड M एंड N पॉजिटिव इंटीजर्स, तो रूल फर्स्ट क्या बोलती है? तब लिखिएगा रूल फर्स्ट, ठीक है, कि अगर PYQ × PQ N तो इक्वल टू PQ m+n, यानी पावर जो है आप प्लस हो जाती है. एग्जाम्पल में समझिए, एग्जाम्पल समझा रहे हैं, उसी पर एक्सरसाइज भी बनाइएगा. 2/3 अगर पावर 2 ले लिया, 2 इस पर पावर 3 ले लिया, बेस सेम है, पॉइंट भी नोटेड, बेस सेम होना चाहिए. इक्वल टू 2/3 × 2+3 इक्वल टू 2/3 × 5, ठीक है. पहला रूल, मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है? प्लस होती है. सेकेंड रूल में आइए आप, सेकेंड रूल आपको यह बोलती है, रूल टू में आप लिखिएगा पावर अगर डिवाइड में हो, यानी PYQ m / PYQ n, तो रूल कहती है PYQ m - n, ठीक है. एग्जांपल में समझिए, अगर PYQ के रूप में हम लेते हैं 3/4, पावर लेते हैं 5, डिवाइड, बेस सेम रखते हैं, बेस सेम रखना है, इसमें पावर 3 लिया, तो PYQ जो 3/4 होगी
उस पर जो पावर होगा 5 - 3 इक्वल टू 3/4 पर पावर 2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3/4 × 3/4। समझ रहे हैं एग्जांपल से। अब आते हैं थर्ड रूल में आते हैं, रूल थ्री। इफ अगर रहेगा p/q पर पावर अगर m है और इस पर भी अगर पावर n दिया हुआ है तो आप इसका रूल कहती है p/q m × n। ठीक है, यानी mn। एग्जाम्पल में समझिए, अगर जो ऐसे 3/2 लिया, इस पर पावर 2 है और पावर पर पावर अगर 3 है, पावर रेस्ट पावर, तो 3/2 पावर क्या होगा, 3×2 = 6। इसको आप लिख सकते हैं 3/2 × 3/2 × .3/2 यानी 6 times लिख सकते हैं, 6 times। ठीक है, आप जो समझ रहे हैं रूल 3 आप समझ चुके हैं। रूल 4 की बात करते हैं, एक मिनट। रूल 4 अगर पावर नेगेटिव हो, पावर क्या हो, नेगेटिव हो, इस पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। अगर p/q है, इस पर पावर क्या है, नेगेटिव यानी -m लिखा हुआ है, तो पावर नेगेटिव है तो इसका रेसिप्रोकल कीजिएगा यानी q/p रहेगा तो q/p और जो नेगेटिव पावर है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। एग्जांपल में समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, 2/3 पर पावर अगर -3 दिया हुआ है तो 2/3 का रेसिप्रोकल 3/2 और जो पावर नेगेटिव थी वो पॉजिटिव होगी 3। इसको बी कैन राइट 3/2 × 3/2 × 3/2 इसी प्रकार से कैलकुलेट कीजिएगा। तो रूल नंबर फोर था। रूल नंबर 5 में आइए। ठीक है, समझ गए हमारी बात को, नहीं समझ में आती तो वीडियो को 2 बार देखिएगा। ठीक ना, यहाँ पर 3 बार बोलने से अच्छा कि आप वीडियो 3 बार देखिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। यहाँ जब 3 बार बोलना शुरू कर देंगे तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगी। रूल फाइव में कहता है कि अगर किसी भी नंबर पर पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, एग्जाम्पल में आप समझिए, या p/q लिखिए, जब लिख रहे हैं p/q तो एग्जाम्पल में अगर 3/2 पर पावर अगर 0 हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1। कोई भी ना किसी भी नंबर का, एनी नंबर्स। तो इस रूल पर आप जो एक्सरसाइज बनाइएगा, एग्जाम्पल से इसमें समझा दिए हैं कि आप एक्सरसाइज बनाइएगा और उसके नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम बेस्ड एग्जाम्पल लेंगे। पहला मेरा रहता है एक्सप्लेन करना और सेकेंड क्लास रहती है प्रॉब्लम बेस पर डिस्कस करना। और घर पर रहिए, स्टे होम, लॉकडाउन चल रहा है अभी, उम्मीद तो नहीं है कि लॉकडाउन खत्म होगा, तो आप वीडियो के माध्यम से ही एक्सरसाइज चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।